और पिछले बीच में दोनों के फिर खिलाड़ी देख सकते हैं पिक्चर क्लब कुंडी और फिराब बादशाह अपने लिए तैयार चना बोलो चना कुंडी के खिलाड़ी सामना करेंगे इधर पीछे से जाइए कैमरा करा डिस्टर्ब होता है ये हो कोई दिक्कत तो नहीं हमको डिस्टर्ब होता है हाँ डिस्टर्ब होता है जो अरे यार बहुत ही शानदार प्लेसमेंट और शानदार खतरा नहीं कोई हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का योगदान के लिए टूर्नामेंट का शोभा बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच चले हो और पहले खाते में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए नट किया डाला और पहली सफलता मिल चुकी है मेरा बादशाह प्रमोद देव को मेरा बादशाह आगे बढ़ाने का प्रयास लेकिन हेडबॉल कर देते हुए अपने भाव में और एक ट्रिकी का मौका मिलेगा हमारे कमेंट्री रिपोर्ट के काफी नजदीक से और देखना होगा अभी अपना स्ट्रेटेजी में क्या परिवर्तन लाते हैं चली गई मैदान के नौ के ऊपर और वहां से जो वापस पहुंचा मैदान के बीचों बीच में बिना पास काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए इंतजार के साथ आपस में रोटेट करते हुए मौका बनाने का प्रयास करते हुए क्या कॉन्फिडेंस क्या बेहतरीन रणनीति मौका बनता सीधे और अभी पड़ाव हाली है नाम टीम का क्योंकि दो गोल से आगे चलते हुए और ये हैट्रिक स्कोर करने के प्रयास है देखना होगा अगला चरण में क्या कुछ करिश्मा करेंगे क्या कुछ रणनीति में परिवर्तन करेंगे ओपोनेंट टीम पिक्चर क्लब कुंडी के बैटिंग टीम लेकिन डिफेंडर के द्वारा हेडर और गेंद चली गई मैदान कोई गलती नहीं बहुत ही शानदार तरीके से लपक लिया गेंद को नौ गेम नौ लॉस लेकिन अभी तक का जो समीकरण है इनाम बादशाह एक शून्य की स्थिति में माफी दिया दो शून्य की स्थिति में दर्शक बंधु आप बने और रोमांचक मुकाबला को बहुत पहुंचती इनाम बादशाह और पिक्चर क्लब को वर्तमान सुधा इनाम बादशाह दूसरे गोल में अग्रणी होती और दर्शक परिवार पाई प्रमुख चौदह पिक्चर क्लब को
हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए। दोनों टीम अभी तक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हमें खेल है। अगर जल्द से जल्द रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो समय में परिवर्तन होगी, समय में कटौती होगी। एमएससीसीएल जोड़ा और देखते अगर खुदा सही, और दुख की बात है अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की है पोर्ट ऑफिशियल में। और यहाँ पर देखिए गोलकीपर ने छलांग लगाया, पंच आउट किया। जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करेंगे। दो गोल से आगे विराम बादशाह की टीम और दो गोल पीछे विक्टर क्लब तुरनी के समर्थक है। निराश और नाराजगी उनके मन में, प्रयास करेंगे उनके समर्थकों को खुश करने के लिए, उनके दिल को जीतने के लिए। बेहद इनकी मौका बनता हुआ, लेकिन डिफेंडर ने इस बार कोई गलती नहीं किया, हेडर लगाते हुए डिफेंड कर दिया गेंद को। लाल पोजिशन लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए विक्टर क्लब तुरनी के खिलाड़ी बहुत ही शानदार सी और मिलना होगा अपने नंबर की अपने गेंद को रखते हुए शानदार से स्टैंड किया बेहतरीन निकालने से पता कर सकते हैं और हेडर लगाया। एमएससीसीआर जोड़ा और गोल ब्रदर जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करेंगे फर्स्ट सेमीफाइनल खेलने के लिए। आप जल्द से मैदान से बाहर और कोशिश के बाद प्लान पीछे बिना बात का निकालने में कामयाब हुए। रिसीव करते हुए प्लेयर नंबर 7 आगे बढ़ाने का कोशिश करते हुए दूर वाले जोर से महिलाओं के जो रिजर्वेशन का जरिया है उसी क्षेत्र से गेंद को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। हालांकि जो भी खेलेंगे और जितना होगा क्या कुछ करिश्मा करेंगे। गेंद चली गई मैदान से बाहर। अनूप जी सुशांत जी आप समझ से रिक्वेस्ट है कि मुख्य पंडाल के पास आप पहुंचे क्योंकि मुख्य अतिथि का आने का समय हो चुकी है, उन्हें स्वागत के लिए तैयारी करना है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ समिति के सभी वरिष्ठ सदस्यगण हमारे मंच पर चले आए और एंट्री गेट में जाकर तैयार रहेंगे। मुख्य अतिथि और अन्य सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करेंगे ट्रेडिशनल वे में। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସିଏ ଭୁଲ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଯୋଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ପରିଶ୍ରମ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଖେଳାଳି ଗୁଡ଼ିକ
फॉर वॉचिंग सुविधा खोजने से थोड़ी होगा और इस बीच बेहतर ठीक लेकिन गलबाजी उन्होंने की चाहती है एम एस शिष्या द्वारा। दो दिन के कप्तान से गुजारिश है कि प्लीज आप इसे साइड पर जुड़ेंगे। सुविधा है कोई तीसरा रिपोर्ट करने में सक्षम हो गए तो 1,000 रुपये का आवेदन मिलेगा। जैसे स्थिति की ओर से ध्यान देंगे दूसरे क्लब कुर्ली की ओर से कोई भी खिलाड़ी अगर गोल करने में सक्षम होंगे उन्हें 1,000 रुपीज की सौगात मिल जाएगी जगदीश जी की ओर से। और अभी तक का जो समीकरण है किलाब बादशाह दो स्विंग लीड करते हुए पोजिशन लेकर के शानदार प्लेसमेंट या देखिए ज्यादा स्ट्रेच नहीं था और इस बीच गेंद को रिसीव करते हुए बाएं पैरों से गेंद को निकलने में कामयाब हुए और हमारे कमेंटेटर बोर्ड की काफी नजदीक में गेंद है विकेट प्राप्त करने की ओर और कामयाब हुए और क्या दो पैरों के बीच में से गेंद को आगे निकालने में कामयाब हुए और क्या कमाल का प्रदर्शन क्या बेहतरीन स्ट्रैटेजी और शानदार प्लेसमेंट लेकिन गेंद चली गई मैदान से बाहर। थ्रोइंग का मौका प्राप्त करते हुए और इस बीच एडवांस कर दिए लेफ्ट के लिए और देखना होगा क्या रोक पाएंगे या नहीं। अधिकतर रोकने में कामयाब हुए बहुत ही नजदीक से टाइमलाइन से और यहाँ पर देखिए स्टेपिंग इन ओपोनेंट नियम 12 का उल्लंघन है। कोई भी खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में रखने के समय में अगर ओपोनेंट की स्टेपिंग करती है स्टेपिंग इन ओपोनेंट ये फाउल होती है और पनिशमेंट के तौर पर फाउल कर दिए गए और एक प्रीतिक का मौका मिलेगा अभी बिना बादशाह टीम के लिए। शानदार प्लेसमेंट गेंद चली गई मैदान के गोलकीपर ने आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए क्या कमाल का प्रदर्शन बहुत मोटा खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही टीम के खिलाड़ी फिलहाल पोजीशन लेकर के विक्टर क्लब गिरे और कुर्बी के खिलाफ मैदान के बीचों बीच में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए देखना होगा कि उनको पास देंगे। इस बीच मैदान के बीचों बीच में सेंटर हाफवे लाइन के करीब में गेंद है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए मीराम के साथ इन्होंने स्टीयर कर दिया गया प्रक्रिया नंबर 7 के लिए और देखना होगा चार ओवर मुआयना करने के बाद इनको पास देंगे बिना बादशाह प्लेयर नंबर 7 शानदार प्लेसमेंट 12 नंबर के लिए गेंद निकाल दिया है और उनको लगा कि आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं होगा फिर पास कर दिया इरादा बदला और काफी ऊंचाई के साथ एक गेंद को चढ़ा देने के बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए निकाल दिया गेंद को राइट फिंगर के लिए लेकिन उतना ही लाजवाब प्रदर्शन बिल्कुल की ओर से। लेकिन ध्यान देंगे 13 सेमीफाइनल के लिए एमएसटी सियाल जोरा और दो ब्रदर कुदासाही जल्द से जल्द फोटो विजन रिकॉर्ड करते हुए ट्रैक लाइन में रेडी रहेंगे दोनों टीम एमएसटी सियाल जोरा और दो ब्रदर कुदासाही।